अच्छा, घोषी से एक जुड़ा एक सवाल है। अजय राय ने एक बयान दिया है, घोषी में उन्होंने कांग्रेस के जितने भी नेता थे बूथ स्तर के, उन सबको ग्राउंड पर उतारा था सपा के लिए, तो इस बयान में कितनी सच्चाई है? क्योंकि क्योंकि नवरतन यादव घोषी में उतर कर प्रचार किया था, इसलिए नवरतन यादव से ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारे नेता जनिम भरत नहीं देखते हैं, सुधाकर सिंह जीते और नीम से पेड़ पर बैठे रहते हैं। मैं बोला, मैं ये भी बोला कि आप कुछ भी वो जीते क्या बिता सकते हैं। हमारे नेता जी बिताते नेता काम अपने जाते फोन करते पता लगाने की क्या बिता थे, क्या करना है, रोड बनवाना, सड़क बनवाना है। वो तो मध्य प्रदेश में हमारे बड़े भैया मनोज यादव जी तिरेंद्र। चलो अच्छा, अभी तो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हो, सपा को लेकर कैसा रुख दिख रहा है जमीन पर मध्य प्रदेश में, बता दो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है, जनता मन बना ली है। देखिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहले नंबर, मणिपुर की घटना तो बोलते हैं योगी जी तरह चलिए वहां से, हमारे महाराज जी बोले हटाइए, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मणिपुर का घटना क्या हो रहा है, यहाँ रोज हो रही है। अभी कल परसों एक महिला को टेम्पो में बलात्कार किया गया, टेम्पो में उसको ले दिया गया, टेम्पो में ऐसा होता है, ए होता है, गुंडागिरी, ए माफिया। मध्य प्रदेश जो है ना, मनाई भी है बहुत, कौन मनाई है, भ्रष्टाचार में, कर्जे में और रेप केस में नंबर वन एकदम भाजपा के शासन काल में एकदम चल रही है। तो यहाँ पे जनता ने मन बनाया बोलने के लिए। किन किन मुद्दों को लेकर सपा इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में मैदान में उतरी है? दलित का सम्मान मेन बात मुद्दा, वहाँ तो बता दे भाजपा बेमान है, भाजपा एकदम बेमान है। मुद्दा दलित का सम्मान रहेगा तो मुद्दा भी रहेगा, हर चीज रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।